नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो बच्चे इन वीडियो से अपने नए नोट्स तैयार कर लें और दोबारा से इस चैप्टर को समझ लें। ओके, तो कल तक हमने पढ़ा था कि कुछ सोर्सेज हैं जिनके बेसिस पर हम अपने हिस्ट्री के बारे में पता लगा रहे हैं। उन्हीं में से एक सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। What is archaeological? Archaeology is a study of the past of the people who lived long ago through the things they left behind. Archaeology क्या करती है? Is a study करती है of the past of the people, जो पहले के लोग थे, who lived long जो बहुत सालों पहले रहते थे, और अपने साथ वो जो उनके काम में आती थी जो चीजें, उनको वो पीछे छोड़ करके चले गए, है ना। तो उन चीजों के बारे में, उन चीजों को निकालना और उसके बारे में स्टडी करना, ये किसका काम है? आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। तो ये जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? आर्कियोलॉजी कहलाती है। और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, अब इनमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सी थिंग्स हैं जो हमें उनमें मिलती है पुरानी, जैसे पॉटरी है, टूल्स है, और बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी पेंटिंग्स हैं, पुराने कॉइन्स हैं, बहुत साल पहले कॉइन्स के ऊपर सन वगैरह लिखे रहते हैं, कुछ पिक्चर्स बनी रहती हैं, जिससे उस समय के बारे में, उस समय की हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। ऑल दीज थिंग्स लाई बरिड इन द ग्राउंड। ये क्या होता है, ये सारी चीजें जमीन के अंदर दब जाती है, क्योंकि एक जो कल्चर है वो चला गया तो वो उसके साथ ही वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो कई चीजें हैं जो जमीन में दब गई, दे रिमेन बरिड इन द ग्राउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल पहले की हैं, एंड अ माउंड ऑफ रबिश। ये क्या बन गए, जैसे कि मान लीजिए कई सिटीज हैं, पूरी की पूरी सभ्यताएं हैं जो कि जमीन के अंदर पूरी दब गई हैं, तो वहां पर क्या उनकी बिल्डिंग्स थी और उनके साथ जो वो सामान काम में लेते थे वो पूरी के पूरे जमीन के अंदर दब गए। अब उनके ऊपर क्या हो गए, मिट्टी आ गई, सारी टीले बन गए बड़े बड़े, है ना, मिट्टी के टीले, ढेर इकट्ठा हो गया। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसको उन टीलों को, उन रेत को, जो मिट्टी के ढेर हैं, उनको हटाते हैं और नीचे से इस तरह की चीजें जो कि पुराने कल्चर से रिलेटेड हैं, पुरानी सभ्यताओं से रिलेटेड हैं, उनको वो निकालते हैं। तो एंड द माउंट ऑफ रबिश, जैसे जो भी गंदगी उनके ऊपर लग जाती है, सॉइल बिल्डअप ओवर डैम, उसके ऊपर वो बन जाता है। द ऑब्जेक्ट दैट लाई डीपर आर द ओल्डेस्ट एविडेंस और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल डीप में, जितना ज्यादा डीप में मिल दब जाते हैं, वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एविडेंस है, सबसे ज्यादा प्रमाण है, सबसे पुराने प्रमाण है, किसके, जो हमारे हिस्ट्री के हैं, कि आपके हजारों साल पहले के लोग किस तरह से रहते थे, अपना वो खाना क्या क्या खाते थे, किस तरह से वो अर्निंग किया करते थे, है ना, भाई जीविकोपार्जन भी करेंगे, कुछ कमाएंगे, तो वो सब चीजें हमें किससे पता चलती है, इन रिसोर्सेज से पता चलती है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिगिंग और एक्सकेवेशन, ये जो हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, यानी आर्कियोलॉजिस्ट का सबसे पहला काम क्या होता है कि डिगिंग करना या एक्सकेवेशन करना। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई का काम, सबसे पहले ये करते हैं, फिर उस खुदाई के बाद इनको बहुत सारी चीजें मिलती चली जाती हैं। ओके, तो दीज आर फोर काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो चार तरह के होते हैं। फर्स्ट इज साइट्स, कई तरह की साइट्स होती हैं। साइट्स क्या होती हैं? साइट्स आर वेयर मटीरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट आर फाउंड। जो कई बार क्या होता है कि पुरानी चीजें किसी एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर कहीं पर मिल जाती हैं, तो वो उधर की साइड हो जाती है, फिर उस एरिया को जगह जगह जाकर के वहां पर खुदाई जगह जगह करी जाती है और वहां से और अलग अलग तरह के सोर्सेस निकाले जाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें वहां से निकाली जाती हैं। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या, एनी बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, मतलब ऐसी कई बहुत सारी पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं जो कि हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। तो ये भी हमारी हिस्ट्री को जानने में, पास्ट को जानने में हेल्प करती है। एंड कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। इसको क्या बोलते हैं,
न्यूमिस्मैटिक्स जो स्टडी करते हैं ना कॉइन्स की, बहुत पुराने पुराने कॉइन्स को और उसके बेसिस पर उसकी मतलब ये पता लगाते हैं उसके अंदर कौन सी जो मेटल यूज किया जाता था कॉइन्स बनाने में, किस सन के हैं, उस समय किस तरह का कल्चर रहता होगा, ये सारी चीजें ये हमें कौन पता, इनकी स्टडी कौन करता है, न्यूमिस्मैटिक्स करते हैं, है ना। मेड ये किससे बनी होती है, मेड ऑफ कॉपर से, ब्रॉन्ज या सिल्वर, गोल्ड, अलग अलग तरह की कॉइन्स उस समय, पहले जैसे गोल्ड की चला करती थी, फिर जब इनकी डिमांड बढ़ी तो फिर उसके बाद सिल्वर आया, फिर ब्रॉन्ज है, कॉपर है, इस तरह की कॉइन्स चलने लगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर कॉल्ड एपिग्राफी, दीज आर रिटन ऑन हार्ड सर्फेस लाइक कॉपर प्लेट, रॉक, स्टोन एंड पिलर्स। ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये किसी हार्ड सर्फेस पर लिखे जाते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, कई लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं और कई लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है कि उस पर क्या लिखा है, उस जो लैंग्वेज है, जो लिपि है, उसको अभी भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ये जो है ना हार्ड सर्फेस है, ये हार्ड सर्फेस किसकी होती है, कॉपर प्लेट भी हो सकती थी या फिर स्टोन के पिलर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, या रॉक्स बड़ी बड़ी चट्टानों पर भी लिखवाते थे, या फिर जो महल के पिलर्स होते थे उन पर भी राजा महाराजा कई सारे इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे, ये अपने बारे में लिखवाते थे कि भाई फला राजा, उसके अपनी प्रसिद्धि के बारे में लिखवाए जाते थे, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब हमारी हेल्प करती हैं हिस्ट्री को जानने में। ओके ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।